Hello students, how are you? Today we will start our first lecture of chemistry of your 9th class. The first chapter is matter in our surrounding. What is matter? Surrounding में जो भी चीज़ें हमारे पास available हैं और जिसका कोई particular एक mass हो and that occupy space is known as matter. Matter is a substance which have a mass and occupy space. कोई भी example हो सकता है anything that has a mass and it occupy space. कोई भी pen, pencil, eraser, star, sun, planets, air. These all are matters and these have mass and it also occupy space. Now we will learn about the physical nature of matter. Matter का physical nature क्या होता है? Matter is made up of tiny पार्टिकल्स, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. नाउ फर्दर कंटिन्यू आर चैप्टर, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट सम टर्म्स विच वी विल यूज इन दिस चैप्टर. फर्स्ट टर्म इज फ्लूड. द मटीरियल विच कैन फ्लो ईजीली एंड नीड सम वेसल और एनी कंटेनर टू कीप इट. जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर या कोई भी लिक्विड हो उसमें क्या होता है, वो मूव करता रहता है अगर हम उसको कोई कंटेनर या कोई पर्टिकुलर वेसल वगैरह ना दें. बिना वेसल के, बिना कंटेनर के वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा. दैट विल कंटिन्यू मूविंग, इट विल फ्लो एंड दिस इज नोन एज फ्लूइड. कोई भी लिक्विड हो सकता है इसमें. और इसकी जो प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो फ्लो करते रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फ्लूडिटी. एंड नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ दिस रिजिड, एनी पार्टिकल दैट इज नॉट फ्लेक्सीबल एंड डू नॉट बेंड. लाइक हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड डू नॉट बेंड एंड इट ऑक्यूपाई पर्टिकुलर स्पेस एंड इट इज रिजिड, वी कॉन्ट बेंड इट. एनी थिंग विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सीबल. सॉलिड्स जो हैं हमारे रिजिड होते हैं, उसकी अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को, रिजिड होने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिजिडिटी. और नेक्स्ट टर्म इज डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है, कोई भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं, कोई दो अलग अलग मैटर्स ले ले मान लो, उस वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो उसके बाद जो फिनोमिना जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न. द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन, खुद ब खुद एंड उनके जो अंदर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होती है, उस स्पेस को वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एंड दिस फिनोमिनम ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके साथ क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मूव करना, पार्टिकल्स में फास्ट मूव करेंगे एंड उसी की वजह से जो हमारी फिर डिफ्यूज़न होगी वो भी क्या होगी, फास्ट होगी. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. मेन इसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की. फर्स्ट है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. लगातार ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. फर्दर डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर. फर्स्ट क्या था हमारा, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. कैसे पता चलेगा कि हमें कॉन्टीन्यूसली वो मूव कर रहे हैं, जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. अगर कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसके बीच में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट होने की वजह से क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज फास्टर, देयरफॉर काइनेटिकल और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे. काइनेटिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे जैसे पार्टिकल्स मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. इफ़ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्टर एंड इफ द पार्टिकल मूव फास्टर आर काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ
temperature. It is dependent on each other. अगर temperature increase हो रहा है तो kinetic energy भी हमारी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Particles की जो movement है वो भी क्या होगी, fast होगी. And now movements in solid, liquid and gases. We all know that the solid particles are very tightly packed and the particles between the solid particles are very closely packed. So therefore the movement of particle is minimum in the solid and then liquid and maximum in the gases as the particle in the gases are very loosely packed. Next point kya hai, iska example le sakte hain hum. For example, take a water in a glass and keep it for some time until it becomes still. उसके बाद उसमें क्या करो, add some drops of ink. We will see that ink will spread throughout the water equally. जो ink है वो पूरे के पूरे water में equally spread हो जाएगी. This is due to its fluidity. Fluidity होने की वजह से वो क्या है, वो मूव कर देंगी. और जितने उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को हमने हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, वी डोंट हैव मूव द वाटर, बट द पार्टिकल्स बिटवीन द वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दैट विद दैट पार्टिकल्स द इंक इज ऑल्सो मूविंग थ्रू आउट द वाटर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर कंप्लीटली. नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है थोड़ी थोड़ी, सॉलिड के अंदर जैसे बहुत ही कम होती है, लिक्विड के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है. एंड इन द गैसेस देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल, टेक अ बीकर एंड व्हेन वी ऐड सम शुगर इन इट, मार्क द वाटर लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वाटर इन द बीकर एंड देन मार्क द लेवल ऑफ वाटर. एंड व्हेन वी विल ऐड salt or sugar in it, it the water level will not increase. Do you have noticed that why it doesn't increase? It do not increase because of the space present in between the particles. The sugar or the salt take the occupy that space that is present in between the particle and spread throughout it. Jo bhi particle ke andar jitni space provide hoti hai उसको ऑक्यूपाई, वो जो शुगर है या सॉल्ट हमने डाला है वो ऑक्यूपाई कर लेगा. और वी हैव नोटिस दैट व्हेन वी आर एडिंग शुगर, मोर एंड मोर शुगर वी आर एडिंग, एट वन पॉइंट इट स्टॉप मिक्सिंग ड्यू टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम फिल्ड एंड देर इज नो मोर स्पेस टू एड मोर शुगर और सॉल्ट. उसके अंदर वो स्पेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे आके, तभी हमारा जो शुगर है या सॉल्ट है वो डिजॉल्व होना बंद कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. सेम जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. इफ वी आर पुटिंग हैमर के साथ हम बीट कर रहे हैं, बीटिंग द नेल विद अ हैमर, इट डजेंट ब्रोक ईजिली बिकॉज द पार्टिकल इन बिटवीन दैट मैटर इज हैव अट्रैक्टेड ईच अदर टाइटली. वो बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती हैं. जैसे सॉलिड में बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़े होते हैं पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं अपने आप. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा ईजीली वो ब्रेक नहीं हो पाते. या फिर टैप जब हम ऑन करते हैं, थोड़े से टैप का प्रेशर पानी बाहर जब निकलता है, थोड़ा सा नीचे जाके उसके फिंगर लगा के देखना, तो जो एक स्ट्रेट लाइन में वाटर आ रहा था, वो जहाँ पे हमारे फिंगर है वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. एंड जैसे ही हम फिंगर को हटा लेंगे वो पार्टिकल्स फिर एक दूसरे के साथ आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे. वो हमारी फिंगर हटाने के बाद तुरंत वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यू हैव स्टडीड इन 8th क्लास आल्सो दैट द सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड लाइक दिस, एंड द गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड. सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप, एक पर्टिकुलर उसकी शेप होती है, जैसे कोई भी टेबल चेयर है, कोई भी उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, बाउंड्री लाइन होती है उसकी.
और वो क्या होते हैं, रिजिड भी होते हैं। रिजिड मतलब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, उसको अगर हम किसी बीकर में कंटेनर में रखेंगे या नहीं रखेंगे तो वो फ्लो नहीं करेंगे। बट इन द केस ऑफ लिक्विड उनके पास कोई भी शेप नहीं होती, और जिस भी कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसी की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड उसकी कोई भी फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती। वही सेम गैसेस में भी उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एंड लिक्विड जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते, मतलब एक जगह पे रुकते नहीं, ठहरते नहीं, वो हमेशा फ्लो करते रहते हैं। जैसे गैस भी क्या है, लीक होगी वो भी क्या है, एक जगह पे नहीं रुकती, वो सारे रूम में हर जगह पे फैल जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, डिफ्यूज़न, जो हमने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो मिक्स हो रहे हैं, फ्लूड होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, हम इसको प्रेस नहीं कर सकते। जो टेबल है जैसे, मान लो हम उसको प्रेस करेंगे तो वो हमसे प्रेस नहीं हो पाएगा, बट जो लिक्विड्स हैं उसको हम प्रेशर दे सकते हैं और थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड होती हैं, प्रेस करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन को हम बाद में सीखेंगे कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एंड जो सॉलिड्स होते हैं उसकी प्रॉपर कैपेसिटी होती है, एक वॉल्यूम होता है, लिक्विड की भी होती है बट सॉलिड गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देते हैं, लिक्विड को गैसेस में चेंज कर देते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मैथड्स होते हैं, विच वी विल स्टडी इन आर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।